आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर्स रिजर्व में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे एक ऑर्नामेंटल प्लांट की, जो आप गार्डन्स में, घरों में, गमलों में सहजता से देखते होंगे। ये ना केवल एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बल्कि ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और रूबीएसी का ये मेंबर है एमेलिया पैटर्न्स। कितना सुंदर आप इसका इन्फ्लोरेशंस देख रहे हैं, वंडरफुल इन्फ्लोरेशंस है। और इसके पंचांग को हम औषधीय गुणों के लिए उपयोग में लाते हैं। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। मित्रों, इसके जो लीव्स होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, और विभिन्न प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्लांट के इस एपिकल पोर्शन का आप उपयोग कर सकते हैं, और इसका पेस्ट बना के भी स्किन लेसन्स की प्रॉब्लम हो, स्किन में इरप्शंस हो गए हों, इरिटेशन हो गई हो, उसके निराकरण के लिए आप इसका पेस्ट बनाकर स्किन के ऊपर एक्सटर्नल अप्लाई कर दीजिए, और उसको आसानी से ठीक करता है। इसके अलावा अगर रूमेटिक पेन है तो इसका डिकॉक्शन बनाकर आप सेवन कीजिए, विशेष लाभ करता है, और ये ऐसी समस्याओं को आसानी से दूर करता है। मित्रों, अस्थमा का अगर पेशेंट हो, पुराना बलगम जम गया हो, सांस लेने में दिक्कत आती हो, और ब्रोंकाइटिस जैसी भी अगर कोई समस्या हो, तो इसका काढ़ा बनाकर दिन में दो बार 10 से 15 ml से सेवन करना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें शहद मिलाकर सेवन करना उत्तम होता है। इसका उपयोग मलेरिया के बुखार को सही करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी कई आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जो मलेरिया बुखार को सही करने में विशेष गुणकारी होते हैं। साथियों, एथलीट फिट की एक समस्या होती है, उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छा कार्य करता है। डायरिया या डिसेंट्री जैसी भी स्थिति होती है तो उसके निराकरण के लिए आप इसका काढ़ा बनाकर सेवन कीजिए। मैं कहूँ पित्त और वात के डिसऑर्डर्स के समन के लिए बहुत अच्छा ये प्लांट अपना कार्य करता है। न्यूरलजिया की समस्या हो, जिसमें नर्व्स का पेन होता है, माइलजिया की समस्या हो, मसल का पेन होता है, उन दोनों में ये बहुत अच्छा अपना कार्य करता है। वंडरफुल ये प्लांट है। हिपेटो प्रोटेक्टिव इसका मैकेनिज्म है, और वीटिएटेड पित्ता और वाता डिसऑर्डर्स को ये ठीक करता है। इसके लीव्स का डिकॉक्शन, इसके फ्लावर्स और इसके पंचांग का डिकॉक्शन आप अपने हेल्थ के रेमेडिएशन के लिए कर सकते हैं। रूमेटिज्म की समस्या हो, फीवर की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो, मलेरिया फीवर हो, चाहे रिकरेंट फीवर हो, इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज के कारण कोई समस्या हो, उसको ये दूर करता है। मित्रों, यह हमारे हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करने का कार्य करता है। हॉर्मोन्स के रेगुलेशन के कार्य करने के बाद मेंसेस से संबंधित डिसऑर्डर्स हों, ओवरीज से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, सिस्ट की समस्या हो, उसके निराकरण में भी बहुत अच्छा ये कार्य करता है। मिनोरहेजिया की समस्या हो, डिसमिनोरिया की समस्या हो, उसको ये रेगुलेट करके पीरियड्स के सही समय के इंटरवल्स पे आने के लिए ठीक करता है। इसके अलावा एंटी फंगल एक्टिविटी के लिए, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। कई बार स्किन के ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाती है तो इसका आप पेस्ट बनाकर सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को इसका आप सुखा कर, राख बनाकर और उसमें शहद मिलाकर भी दे सकते हैं। इससे उनकी ब्रोंकाइटिस की समस्या, पुरानी खांसी की समस्या, अस्थमा की अगर इनिशियल स्टेज है उसको भी दूर करने में सहायक होती है। स्किन प्रॉब्लम्स आसानी से दूर हो जाती हैं, फंगल इन्फेक्शन आसानी से दूर हो जाते हैं। अगर सर में जू हैं तो उसके निराकरण के लिए भी इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर या पत्तों से जूस निकाल कर बालों में लगाना चाहिए, और उसके बाद लूकवॉर्म वाटर से वॉश कर देना चाहिए। बहुत अच्छा ये अपना कार्य करता है। वंडरफुल प्लांट है। अभी तक आपने इसके सिर्फ ऑर्नामेंटल उपयोगों के लिए आप इसको देखते होंगे, जानते होंगे, लेकिन मेडिसिनल कितना इम्पोर्टेंट है ये आज आपने जाना। ये जानकारी आप और लोगों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि सभी लोग इसके औषधीय गुणों से भी लाभान्वित हो सकें। इतना सुंदर ये प्लांट है, गमलों में आप इसको लगा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कटिंग के माध्यम से सहजता से हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नित्य प्रति आपको एक नए मेडिसिनल प्लांट की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।